ब्रेक और एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज संकेत ठीक है, आज आपका एसजेएक्स निफ्टी ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा है। दोपहर में आएगी पॉलिसी, ठीक उससे पहले जितने भी आंकड़े हैं और जितनी भी ट्रेडिंग कॉल्स हैं उससे तो हम पहले ही पैसा बना लेंगे। तो खैर आरबीआई की पॉलिसी का इम्पैक्ट भी आज मार्केट पे रहेगा। कुछ खबरें भी हैं, जरा उसको भी देख लेते हैं। हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स अच्छे आए हैं, सितंबर की कुल बिक्री 7 लाख यूनिट के पार कर गई और ग्रोथ काफ़ी अच्छी आई है, करीब 6% ऊपर है। हरी, ये हीरो मोटोकॉर्प आपका पहला पसंद भी था, आप कह भी रहे थे कि टू व्हीलर सेगमेंट में कंपनी ठीक है, अभी भी जस्टिफाइड है इस वैल्यू पे भी? जिस तरह से यू नो ये क्वार्टर ऑटो नंबर्स आए हैं और यू नो हीरो होंडा ने सिर्फ आई थिंक एक महीने में 7 लाख से ज्यादा बाइक्स बेचे, जो कि उनके लिए एक ऑल टाइम रिकॉर्ड है। देखिए जहां तक अक्टूबर का सवाल है, अक्टूबर एक फेस्टिवल सीजन होता है और हम जानते हैं कि पिछले जो फेस्टिवल सीजन था उसमें हीरो होंडा ने दे हैड सोल्ड मोर देन 1 मिलियन बाइक्स। तो हमारा मानना है कि अक्टूबर विल बी अ गुड मंथ फॉर हीरो होंडा और ये स्टॉक फिलहाल आई थिंक वैल्यूएशन उतने स्टीप नहीं है। यू नो पिछले आप दो तीन साल देखोगे तो टीवीएस मोटर्स यू नो कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन हीरो होंडा लगभग वहीं पे पड़ा हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये जो मंथली नंबर्स आए हैं इसके बाद डेफिनेटली मुझे लगता है कि हीरो होंडा इज वर्थ बाय। आपको यहां से कम 10-15% का अपसाइड इस स्टॉक पे मिल सकता है। ठीक है ब्रजेश, अपोलो टायर्स के बोर्ड ने क्यूआईपी को प्राइस तय कर दिया है 250 रुपीज अ शेयर। अब आपको लगता है अपोलो टायर्स और ऊपर जा सकता है क्यूआईपी प्राइस से, क्योंकि मार्केट प्राइस उससे कम है? See, as per the chart, it till the stock has been trading below 255 zone. I am not looking. I would not be saying that कि ये promising लग रहा है कि ये ऊपर जा सकता है। हालांकि नीचे का जो सपोर्ट है वो लगभग 235 के आसपास का है। अगर ट्रेडिंग बैट लेनी है तो 240 के नीचे अगर एक बार ये ट्रेड करता है तो आपका रिसीवर रेशियो फेवरेबल में रहेगा, कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 232 एंड देन वी कैन से दैट कि एक बार 255 को टच करने की कोशिश करेगा। एनीथिंग अबव 255 क्लोजिंग ऑन क्लोजिंग बेसिस। राकेश शर्मा, दो शेयर आप देखिए, एक तो ग्रीव्स कोटन है, एक क्लीन एनर्जी के लिए उन्होंने एक एलटी ग्रीन लैब्स के साथ एक करार किया है, जरा ये बताएंगे ग्रीव्स कॉटन कितना ठीक है? देखिए डिम्पी, करेक्शन में चल रहा है स्टॉक, मार्केट में दो दिन रैली भी आई है, स्टॉक ने रैली नहीं दी है। नीचे में अगर आप देखें तो स्टॉक 133 सपोर्ट है, 136 रेजिस्टेंस है, जिस 136 के ऊपर निकलेगा तो थोड़ी पुल बैक देखने को मिलेगा। टेक्निकली कोई ऐसे संकेत नहीं है कि बहुत बड़ी रैली यहां पर देखने को मिलेगी इमीडिएटली। ठीक है राकेश, कल ना पीएनसी इंफ्रा को एक खबर आई थी कि उनको 2000 करोड़ का ऑर्डर मिला, वो अच्छा खुला था। आज कुछ वैसी खबर आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स पर भी है, इसमें 556 करोड़ का एक ऑर्डर भी मिला इनको, कंस्ट्रक्शन और रीडेवलपमेंट को लेकर ऑर्डर है। ये आज गैप अप खुलेगा तो उसके बाद क्या करना है? मान लीजिए गैप अप ही खुलने वाला है आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स। देखिए डिम्पी, डिपेंड करता है कितना गैप अप खुल रहा है और कितनी वॉल्यूम के साथ खुल रहा है। अगर जिस तरीके से आपने दो कंपनीज के नाम लिए, पीएनसी इंफ्रा जिसमें कल खबर आई थी, पीएनसी इंफ्रा का टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, वहां कंफर्ट आता है बाइंग करते हुए। यहां पर अगर डिलीवरी का आउटलुक है तो बाइंग की जा सकती है। एल्स ऊपर में डिम्पी 315-316 एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, ये लेवल टूटे इनके ऊपर क्लोजिंग ले तभी एक बड़ी तेजी की पोजीशन यहाँ पे बनानी चाहिए। गौरांग, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के साथ क्या करेंगे? एक्साइज ड्यूटी कट से उनको डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट ना पड़े, पर ये भी बस चल रही है कि वो अपनी तरह से भी कुछ कटौती करेंगे, ये क्या नेगेटिव होगा उनके लिए? तनिषा, जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि जो मेरे पास खबर आई है कि करीबन 5 रुपए तक की कटौती होगी प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल पर, 2 रुपये सरकार, केंद्रीय सरकार ने एक्साइज घटाई है, 2 रुपया राज्य सरकार घटाएगी और 1 रुपया का योगदान होएगा ऑयल मार्केटिंग कंपनी से। अब ऐतिहासिक तौर पर काफ़ी लंबे समय से हमारी खरीदारी की राय बरकरार है, एचपी, बीपी, आईओसी और अब रिलायंस भी इंक्लूडेड है क्योंकि उन्होंने फिर से अपना कारोबार रिटेलिंग का शुरू किया है और डिविडेंड पे आउट रेशियो भी अच्छा है, कैश एंड कैरी बिजनेस है, फ्री प्राइसिंग एक बहुत ही अच्छा रुझान आने वाले समय में लेकर के आएगी। और जहाँ तक हमारा मानना है, ये $55-60 प्रति बैलर के दाम बहुत लंबे समय तक नहीं टिकेंगे और मुझे लगता है कि वास्तविकता में ये करीबन $45-50 प्रति बैलर के आसपास आ जाएंगे, नाइमेक्स और ब्रेंट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा दिक्कत तो खैर नहीं होनी चाहिए। इस बीच हेस्टन एग्रो को भी एक बार देखिए राकेश, आप ही देखिए, ये 702 पे बंद हुआ है। खबर ये है कि म्यूचुअल फंड ने कुछ हिस्सेदारी खरीदी है, एसबीआई का म्यूचुअल फंड है इसने हिस्सेदारी खरीदी और ये 0.5% से ज़्यादा की है और 700 का रेट भी है जिसपे ये प्लस किया गया और 700 पे ही कल ये क्लोज हुआ है। जरा बताएंगे आज ये कैसे चलेगा?
डिम्पी, आंखें बंद करके इसको खरीदना चाहिए, 680 एक स्ट्रांग सपोर्ट है और यहाँ पर 770 775 के लेवल्स मेरे को लगता है महीने भर में इजीली देखने को मिलेंगे। काफी स्ट्रांग टेक्निकल पैटर्न है, खरीद के चलना चाहिए। ठीक है, एक नैटको फार्मा ब्रजेश, ये आपको चार्ट्स पे कैसे लग रहा है? एक ड्रग की इनको अप्रूवल मिली है यूएस एफडीए से कोपैक्सोन के लिए, आपको लगता है ये स्टॉक अब ऊपर जा सकता है? See, from 1080 odd level, it went down all the way to 680 around. Correction देखने को मिला था, somewhere around 793 के आसपास में बंद हुआ है। 50-day simple moving average on weekly chart has been trading at 790. एक dip में definitely buying करने की सलाह रहेगी, 770 या 775 के आसपास में मिलता है तो 740 का stop loss लेके चलें। एक उछाल जरूर देखने को मिलेगा जो कि स्टॉक को एक बार 820 से 840 तक लेके जा सकता है। एनी क्लोजिंग अबव 840 स्टॉक हैज अ पोटेंशियल टचिंग 910, बट शॉर्ट टर्म के लिहाज से 820-840 आप पकड़ के चलिए। ठीक है, कुछ खबरों वाले शेयर्स तो आपने देखे, उस पर आपको ट्रेडिंग कॉल्स भी मिल रही हैं कि किस पे खरीदना है, किससे दूर रहना है, टारगेट स्टॉप लॉस भी हैं। आप कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी समझ लेते हैं, वो रिपोर्ट्स क्या कहती है, कौन से शेयर पे हमको ज़्यादा फोकस करना चाहिए? बताएं साक्षी, वो कौन सी रिपोर्ट्स हैं? गुड मॉर्निंग डिम्पी, बहुत सारी रिपोर्ट्स आ जाई हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सीएसए की रिपोर्ट्स के साथ। सबसे पहले उन्होंने मॉडल पोर्टफोलियो में जो बदलाव किया है वो आपको बता दें कि जो मॉडल पोर्टफोलियो में है उसमें एसबीआई की जगह अब एचडीएफसी बैंक को शामिल किया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीएलएसए ने इनफैक्ट आईटीसी पर भी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें अंडर परफॉर्म की रेटिंग से बढ़ाकर अब बाय रेटिंग दी है, लक्ष्य को भी ऊपर की तरफ रिवाइज किया है। मौजूदा 285 के जो लक्ष्य दिया हुआ था उससे बढ़ाकर अब 310 के टारगेट्स दिए हैं। उनका मानना है आईटीसी अपने ऊपरी स्तरों से 24% करेक्ट हो चुका है जो कि फ्रेश निवेश के मौके डेफिनेटली क्रिएट करता है और एवरेज जो वैल्यूएशन है उसके भी डिस्काउंट पर ही अभी ये शेयर चलते हुए नजर आ रहा है। ओएमसी स्पेस आज काफी फोकस में है, जिस तरीके से आज सुबह से ही हम खबर देख रहे हैं कि एक्साइज ड्यूटी में कटौती हुई है फ्यूल प्राइसेस के, उसके बाद जेपी मॉर्गन ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उनका मानना है कि अभी भी आईओसी उनके टॉपिक लिस्ट में है, एचपीसीएल पर अभी भी वो अंडरवेट है। हालांकि कंपनीज की बैलेंस शीट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन सेंटिमेंटली इस कदम को काफी वेलकम स्टेप मान रहे हैं और इंप्रूवमेंट देखते हैं सेंटिमेंटल तौर पर, और हाल में जो हमने अंडर परफॉर्मेंस देखी है ओएमसी स्पेस में वो इसे रिवर्स करने में मदद करेगा, इस तरीके की रिपोर्ट सामने आई है। एचडीएफसी पर एक रिपोर्ट आई है मक्वायरी की, यहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग उन्होंने दी है, 1890 का लक्ष्य दिया है। हाल में हम जिस तरीके से देख रहे हैं म्यूचुअल फंड के आईपीओ आने की खबरें आ रही हैं, रिलायंस म्यूचुअल फंड के आईपीओ भी आ सकता है, उसके बाद ये जो ऑप्शन पूरा खुलते हुए नजर आएगा एएमसी के लिए, एचडीएफसी की एएमसी को भी लिस्ट कराने की आगे जाकर अगर योजना होती है तो काफी ज्यादा वैल्यू अनलॉक होती हुई नजर आ सकती है एचडीएफसी के लिए और कंपनी की वैल्यूएशन में सीधा सीधा 44 रुपीज प्रति शेयर का इजाफा होते हुए नजर आ सकता है जिसकी वजह से वो यहां पर काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। दो तीन और रिपोर्ट्स आए हैं वो भी देख लेते हैं। नोम्यूरा की एक रिपोर्ट आई है अदानी पोर्ट पर, रिड्यूस रेटिंग दी है, लक्ष्य को लेकिन ऊपर की तरफ रिवाइज किया है, 234 से बढ़ाकर अब लक्ष्य 319 रुपए का दिया है। मार्जिन हालांकि 11-12% पर स्थिर रहने का अनुमान है, जो कर्ज में कमी आई है उसकी वजह से अर्निंग्स का जो अनुमान है उसे बढ़ाया 11-13% तक, तो ये डेफिनेटली ध्यान में रखने वाली बात है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट की एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जिसमें रत्नमणि मेटल्स को कवर किया है, इनफैक्ट बाय रेटिंग के साथ यहां पर उन्होंने कवरेज शुरू किया है, 1050 के टारगेट से यहां पर दिया है। 2100 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक जो है वो काफी स्ट्रांग ऑर्डर बुक है, इनफैक्ट मल्टी ईयर हाई पर ये ऑर्डर बुक आते हुए नजर आ रही है। FY20 तक के रेवेन्यूज और मुनाफे पर अगर देखें तो लगातार बढ़त की भी उम्मीद है और डिमांड भी काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। फार्मा स्पेस पर एक आखिरी रिपोर्ट है वो भी देख लेते हैं। क्रेडिट स्विस ने सनफार्मा को यहां पर कवर किया है और यहां पर कंपैरिजन किया है डॉक्टर रेड्डीज और सनफार्मा के बीच। उनका मानना है दोनों में से अभी उनको सनफार्मा ज्यादा बेहतर लग रहा है, खासतौर पर डॉक्टर रेड्डीज पर अभी जो प्राइस इरोजन का रिस्क है वो सनफार्मा में अभी कम होते हुए नजर आ रहा है। लॉन्ग टर्म की अगर स्टोरी देखें तो सनफार्मा की स्ट्रांग नजर आ रही है और क्योंकि इसका ज्यादातर मुनाफे का हिस्सा घरेलू कारोबार से आता है इसलिए अर्निंग्स में भी स्टेबिलिटी की उम्मीद है, तो कहीं ना कहीं सनफार्मा ज्यादा बेहतर लग रहा है। ठीक है, एचडीएफसी के बारे में मक्वायरी की रिपोर्ट थी। हरिहर, आपको ये स्टॉक कैसे लग रहा है? कल हमने देखा कि ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी इसमें काफी अच्छा था, आपको लगता है कि ये जो उनका एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जो उनका म्यूचुअल फंड का बिजनेस है, इससे एक अपसाइड मिल सकती है स्टॉक को? देखिए
देखिए मेरे ख्याल से इनके जहां तक वैल्यूएशंस का सवाल है, जो इनके म्यूचुअल फंड के बिजनेस है, आई डोंट थिंक दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ वेरी मेजर पार्ट. तो मुझे नहीं लगता इससे वैल्यूएशंस पे फर्क पड़ेगा. आई थिंक स्टॉक पे कंसर्न फिलहाल रहा है वैल्यूएशंस का, क्योंकि इनका जो पी रेशियो है वो इंडस्ट्री में आई थिंक काफी रिच है, और जो 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 बाकी छोटे कंपनियां ग्रो कर रहे हैं आई थिंक वो रेट पे ये एचडीएफसी ग्रो नहीं कर रहा है. आई थिंक दैट इज द कंसर्न. बट आई थिंक ये एक ऐसा स्टॉक है जो काइंड ऑफ एक ऑल वेदर स्टॉक है. आप कभी भी इसमें खरीदारी करके 2-3 साल में पैसा बना सकते हो. इट्स अ काइंड ऑफ ऑल वेदर स्टॉक. आप शॉर्ट टर्म रिटर्न्स के लिए देख रहे हैं तो आई डोंट रेकमेंड दैट स्टॉक. कुरांगी, आईटीसी पर आपका व्यू क्या है? ये बाजार की थोड़ी हेल्प करेगा बाजार को ऊपर रखने में, क्योंकि कल भी 3-4 शेयर ही थे जो कि इंडेक्स मैनेज कर रहे थे. हमने मार्केट रेट देखे तो बराबर बराबर थी, लेकिन जैसे 4-5 शेयर देखे तो उसकी वेटेज से 70 पॉइंट ऊपर निफ्टी दिख रहा था. डिम्पी, मेरे ख्याल से ये ऐतिहासिक स्तर पर है, निचले स्तर पर, जहाँ पर पिछले कुछ सालों पहले भी अगर आप इसके ऊपर नज़र डालें तो इसी स्तर पर ये काफ़ी लंबे समय तक कंसोलिडेट किया था, और फिर 340-345 या फिर उसके ऊपर गया था. फिर वो जीएसटी, प्री जीएसटी का एडजस्टमेंट हुआ और ये शेयर लुढ़क करके फिर से 260-265 के आसपास आया है. लंबी अवधि के नज़रिए से 345 का हमारा लक्ष्य है. तो तंबाकू पदार्थों के कारोबार से जो योगदान है वो आता रहेगा, क्योंकि जो वॉल्यूम्स है उसमें किसी भी तरह की नीचे की तरफ की गुंजाइश हमें काफ़ी लंबे समय तक रहे ऐसा नज़र नहीं आता है. दूसरी तरफ जो अन्य कारोबार है इनका, वो भी अच्छा योगदान दे रहा है, और एग्री रिलेटेड जो बिजनेस वर्टिकल है वहाँ से मेरे ख्याल से आने वाले समय में और भी आपको कॉन्ट्रीब्यूशन आता हुआ दिखेगा. अच्छा हरी, आपके प्रीवियस ऑफिस, वैसे मैं हरी के बारे में बता दूं, आईसीआईसीआई डायरेक्ट में भी थे पहले, और उस समय ना केवल हरी फंडामेंटली देखते मार्केट को बल्कि बड़े डेरिवेटिव एनालिस्ट भी थे. अरे मैं गलत तो नहीं बोल रहा ना, जब आप आईसीआईसीआई में थे मैं तो आपकी रिपोर्ट्स देखता था और हम स्टडी करते थे, वो आपकी रिपोर्ट्स देख कर मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला, और बड़ी इंटेलिजेंसी के साथ आप रिपोर्ट्स बनाते थे. अब आपके प्रीवियस ऑफिस ने एक नई रिपोर्ट निकाली है रत्नामणि मेटल्स को लेकर, सर जरा इसके बारे में बताएंगे? आप जब आप रिपोर्ट बनाते हैं आईसीआईसीआई डायरेक्ट ऑल टुगेदर, तो उस रिपोर्ट में देखता क्या है? मैं फ्रैंकली एक्चुअली मैं आईसीआईसीआई से छोड़े लगभग 5 साल हो गया, तो आई डोंट थिंक आपको 5 साल हो गए छोड़े, लेकिन हमको अभी भी याद है आपके पुराने ऑफिस के बारे में और आपके पुराने वर्किंग को लेकर. मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इनकी जो रिसर्च क्वालिटी है डेफिनेटली आई थिंक इट्स अ वेरी सुपीरियर क्वालिटी, इतना मैं कह सकता हूं. पर फ्रैंकली जानते हो रत्नमणि की बात कर रहे हो, मैं पर्सनली तो स्टॉक का ट्रैक नहीं करता, तो आई रियली डोंट नो मच नो टू कमेंट अबाउट दैट कंपनी. चलिए कोई बात नहीं, टेक्निकल व्यू तो ले लेते हैं क्योंकि रिपोर्ट में कवरेज शुरू हुई है. राकेश जरा आप ही देखिए, ये कवरेज आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने शुरू की है, वो कह रहे हैं कि 1050 तक पहुंच जाएगा. आप कुछ टारगेट, कुछ स्ट्रेटजी देना चाहते हैं इसमें? देखिए टेक्निकल स्ट्रक्चर डिम्पी अच्छा है, स्टॉक ने एक बड़ा ब्रेकआउट दिखाया हुआ है, 800 रुपये एक अच्छा बेस है, और अगर आईसीआईसीआई डायरेक्ट कह रहा है तो हो सकता है टेक्निकल स्ट्रक्चर डिम्पी काफी अच्छा है इसका. और अब टाइम है सुपरफास्ट फीचर्स का. ये कैसा सेगमेंट है जिसमें हम कुछ वादा किया है, डेरिवेटिव मार्केट्स की बेहतर कॉल्स ढूंढते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको मुनाफा मिल जाए. ये हर रोज हम आपके सामने रिटर्न कार्ड भी रखते हैं, बाजार कैसे भी रहे, कुछ तेजी आती है, कई बार मंदी आती है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि 4-5 शेयर आपके सामने ऐसे रख दिए जाएं जिससे आपका फायदा अच्छा बन जाए. एक रिटर्न कार्ड हमने कल के शेयर्स का भी बनाया, जरा वो भी देखिए आप. इसके अंदर हमने काफी सारे शेयर्स शामिल किए थे और उसमें अपोलो हॉस्पिटल के अंदर काफी स्ट्रांग मूव आया, 4.5% शेयर ऊपर था. कल एक ब्रोकरेज हाउसेस की कवरेज की रिपोर्ट में भी था, ये 21,000 रुपए तक का पर लॉट का प्रॉफिट है. और एक और चीज है, ये सारा गैप अप के बाद का हिस्सा है, जिसमें शेयर में गैप अप होता है उस वाले हिस्से को हम काउंट ही नहीं करते. M&M करीब 1.5% तक की मजबूती है, और बजाज ऑटो पे कल हमको फ्यूचर्स में भी ट्रेड मिला था और एक ऑप्शन भी मिली थी. एक ऑप्शन का हमने आपके सामने रिटर्न कार्ड में डाला, वो 3150 की कल कॉल थी, 44% चली, 8,000 रुपये यहाँ से मिले. तो कम पैसे के साथ भी आप ट्रेड देख सकते हैं. ये ऑप्शन की खूबी है कि लिमिटेड रिस्क और अनलिमिटेड प्रॉफिट आपको मिल जाता है. तो आज की शुरुआत कर लेते हैं, और आदित्य अग्रवाल मेरे साथ फोन लाइन पे हैं, राकेश बंसल और ब्रजेश से आज के हम कुछ F&O की कॉल्स भी समझेंगे. राकेश आपसे शुरू करें, आप ऑलरेडी मेरे को निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बता चुके हैं, मेरे को जरा ट्रेडिंग कॉल्स दीजिए. आज आपकी F&O की 2 कॉल्स कौन सी हैं? डिम्पी एड ऑफ क्रेडिट पॉलिसी काफी डिफेंसिव होकर चल रहा हूँ. पहला बाय कॉल सिप्ला पर रहेगा, काफी बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है, खराब मार्केट में स्टॉक ने ब्रेकआउट दिखाया था,
निफ्टी की रैली में स्टॉक करेक्शन में गया था सिप्ला, और मुझे लगता है इसको खरीदना चाहिए इन करेक्शन। 563 का स्टॉप लॉस, 615 का टारगेट। दूसरा गेल, बड़े चार्ट पर डिम्पी एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है, 417 का स्टॉप लॉस, 462 के टारगेट के लिए गेल को बाय करें। ठीक है, गेल और सिप्ला राकेश के टॉप बेट्स है एफएनओ स्पेस से। ब्रजेश, आपके टॉप एफएनओ स्टॉक कॉल्स क्या हैं? देखिए, टेक महिंद्रा को आप देख सकते हैं, हायर हाइज एंड हायर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है फ्यूचर के लिए। 463 पे कल बंद हुआ, तो एनीथिंग बिलो 460 वुड बी अ बाइंग लेवल विद कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 444। शॉर्ट टर्म के लिहाज से मतलब दो से चार ट्रेडिंग सेशन के लिहाज से टारगेट लगभग 480 का आ रहा है, और अगर इसको अगर हम वीकली चार्ट पे देखें तो एक वुल्फ पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, उसका टारगेट लगभग 700 रुपए का आ रहा है, बट दैट थिंग वुड बी टेकिंग अनदर से 9 मंथ अराउंड। दूसरी कॉल जो चार्ट पे अच्छी लग रही है वो पीसी ज्वेलर्स की है। एक डेली चार्ट पे एक फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी हुआ है, वॉल्यूम के संग में हुआ है, तो फॉर वेरी शॉर्ट टर्म एनीथिंग बिलो 350 वुड बी बैंग लेवल विद 338 वुड बी द स्टॉप लॉस, टारगेट वुड बी 360 एंड 385। शॉर्ट टर्म में अगर कैश में अगर बाइंग करनी है तो आप 320 का स्टॉप लॉस लेके बाइंग कर सकते हैं, फॉर द टारगेट वुड बी 460। ठीक है, आप इंडिया सीमेंट को भी एक बार आप पहले आपने बताया था हमको, जरा आप उनको टारगेट वापस बताएंगे इंडिया सीमेंट के? ब्रजेश, टारगेट क्या है आपके? देखिए, कल के सत्र में जैसे मैंने बताया कि हायर हाईज एंड हायर बॉटम फॉर्मेशन हुआ है ऑन आवरली चार्ट, इट हैज फॉर्म अ वुल्फ वेव पैटर्न एंड दैट इज गिविंग अ टारगेट ऑफ 198 टू 200, लगभग 182 के आसपास में बंद हुआ है, तो एक मौजूदा स्तर या 180 के नीचे बाइंग कर सकते हैं। योर स्टॉप लॉस वुड बी 170 अराउंड, द टारगेट वुड बी 198 और 200। ठीक है, टेक महिंद्रा, पीसी ज्वेलर्स, इंडिया सीमेंट, ये ब्रजेश की कॉल है, राकेश की कॉल में सिप्ला और गेल है। आप इन सभी के टारगेट स्टॉप लॉस आप नोट करते चलें, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखता भी रहेगा साथ में। अब आदित्य अग्रवाल मेरे साथ हैं। आदित्य, आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं? आप कौन से शेयर सजेस्ट कर रहे हैं आज? पहला हमारा बायोकॉल आएगा, बायोकॉन में, बायोकॉन में देखे तो इसमें हमने एक अच्छा खासा करेक्शन देखा था 365 लेवल से, लेकिन नीचे में स्टॉक ने अपने काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 325-328 के, वहीं से एक रिस्पेक्ट किया सपोर्ट को, वहां से कल के सेशन में हमने लास्ट 2 दिन में एक पुल बैक आते हुए देखा है। तो हमको लगता है कि शॉर्ट कवरिंग के चलते स्टॉक यहाँ से 358-360 तक के लेवल तक आ सकता है, तो बायोकॉन में करंट लेवल से बाय पोजिशन इनिशिएट किया सकती है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 328। सेकेंड स्टॉक रहेगा हैवेल्स। हैवेल्स में देखें तो 470 का एक सपोर्ट लेवल था, स्टॉक ने उसको ब्रेक किया था वापस, लेकिन लास्ट 2 दिन में हमने एक अच्छी बाइंग आते हुए देखी है जिसके चलते स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल से ऊपर आया है। यहाँ पे 498 का इमीडिएट रेजिस्टेंस है, तो हमारी सलाह रहेगी 498 के ऊपर इसके अंदर एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 520 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 489। ठीक है, हैवेल्स है और बायोकॉन। आज आप एक चीज और देख रहे होंगे, आज कुछ डिफेंसिव स्टॉक्स ज्यादा है, कल ऑटोस का दिन था, कल हमको बजाज ऑटो मिला, M&M, टाटा मोटर्स ट्रेडिंग कॉल्स में दिख रहा था। ये 6 कॉल्स ना आपको पूरा एक मिरर भी दिखाते हैं मार्केट्स के अंदर कि आज कन्विक्शन कहाँ पे जा सकता है ज़्यादातर। तो आज थोड़ा डिफेंसिव शेयर्स आप वापस फोकस में हो रहे हैं। सिप्ला दिया राकेश ने हमको, टेक महिंद्रा एक आईटी कंपनी है, एक सीमेंट कंपनी इंडिया सीमेंट मिली है, स्लो मूवर है, कल अच्छा चली थी, लेकिन आदित्य भी कह रहे हैं कि बायोकॉन पे आप ध्यान रखें। तो आज थोड़ा डिफेंसिव का दिन ज़्यादा दिख रहा है, वो शायद इसलिए क्योंकि 230 इम्पॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन आनी है, तो फिर बीटा स्टॉक्स को अभी के लिए शायद अवॉइड ही करें। आदित्य, कोई ऑप्शन ट्रेड भी है आपका? FMCG सेक्टर देखें तो उसमें हमने काफी बड़ा करेक्शन देखा है पिछले कुछ दिनों में, लेकिन लास्ट 1-2 दिन से थोड़ा लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिली है। HUL में, हिंदुस्तान यूनिलीवर में कल के सेशन में लोअर लेवल से अच्छी बाइंग देखने को मिली थी, तो हमको लगता है इस स्टॉक में भी शॉर्ट कवरिंग के चलते एक अच्छा अप मूव देखने को मिल सकता है, और 1235-1240 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। इसके अंदर 1200 का कॉल ऑप्शन करंट लेवल से बाय करने की सलाह देंगे, जो करीब 2200 के आसपास चल रहा है। इसमें हमारा टारगेट रहेगा 4000 का और नीचे में स्टॉप लॉस रहेगा 1400 का। ठीक है, बैंक निफ्टी का भी ऑप्शन का सौदा भी है आदित्य? वेल यस, मींस बैंक निफ्टी में देखें तो आज काफी वोलेटाइल रहेगा, इसके लिए हम फ्यूचर्स अवॉइड करके थोड़ा सा एक ऑप्शन के साइड ट्रेड करेंगे। हमें लगता है कि बैंक निफ्टी का व्यू थोड़ा सा पॉजिटिव रह सकता है, ऊपर में 24,300-24,350 तक के लेवल दिखा सकता है। इसी को ध्यान में रखें हम 24,100 का 5th October जो कि कल की एक्सपायरी है उसका कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे। 120 रुपए के आसपास बाय करने की सलाह रहेगी, 220 रुपए का टारगेट और 65 रुपए का स्टॉप लॉस।
24 से 100 की कॉल को प्लस करना है आज, 220 तक का टारगेट है, 120 की रेंज में आप इसको प्लस करें, 65 का स्टॉप लॉस भी रखें। आज पॉलिसी डे है इसलिए सीधा बैंक निफ्टी नहीं लेना चाहते तो इस कॉल को जरूर ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए 24,100 की कॉल है, 120 की रेंज पे लेनी है, 220 का टारगेट है, 65 का स्टॉप लॉस है। आदित्य शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अब ब्रजेश का आपका ऑप्शन का सौदा है, देखिए हिंदुस्तान जिंक को आप देख सकते हैं कल के सत्र में जिस हिसाब से इसने मोमेंटम दिखाया 313 के आसपास में बंद हुआ है तो एट द मनी की कॉल 315 की लगभग 9 रुपए के आसपास में है, आप उसको बाइंग कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 4 रुपीज, द टारगेट वुड बी 15-17 रुपीज। ठीक है, तो 315 की कॉल पे आप ध्यान रखें हिंदुस्तान जिंक की, ये एक अच्छी कॉल यहाँ पे साबित हो सकती है, कल भी अच्छा मूव देखे गया था, 15-17 रुपए तक का टारगेट है, 9 रुपए में आपको लेना है। ये कुछ एक डेरिवेटिव्स की कॉल्स हैं, उम्मीद करते हैं आज काफी बेहतर आपके ये काम आएंगे। आप जरा गोदरेज एग्रोवेट के आईपीओ के बारे में बात कर लें क्योंकि आईपीओ का सीजन ही चल रहा है, इसलिए ये तो कह सकते हैं एक हफ्ते के अंदर कुछ लिस्टिंग हुई, कुछ आईपीओ आ भी रहे हैं। गौरांग, गोदरेज एग्रोवेट के आईपीओ को आप कैसे रेट कर रहे हैं प्राइस बैंड के हिसाब से? 450-460 रखा है, ये प्राइस बैंड ठीक है कंपनी के हिसाब से? इसी को ध्यान में रखते हुए एज अ डिस्क्लोजर डिम्पी, हमने कल ही एक आईपीओ सब्सक्राइब नोट गोदरेज एग्रोवेट पर निकाली है और ये कवायद हमारी सब्सक्राइब करने की लंबी अवधि के नज़रिए से है, तो लिस्टिंग गेम के हिसाब से मैं तो टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि मैं सक्षम नहीं हूँ, लंबी अवधि के नज़रिए से आईपीओ नोट पर निर्भर करके मैं बने रहने की राय दूंगा और सब्सक्राइब भी करें। अच्छा, और मिस्टर हरिहर, एसबीआई लाइफ की लिस्टिंग के बाद आपको कैसे लग रहा है? अगर कोई डिप्स आते हैं आप एडवाइस करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इसको एक्युमुलेट करने के लिए? नहीं बिल्कुल अनिश, आई थिंक जो लिस्टिंग था डेफिनेटली आई थिंक थोड़ा स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग था बिकॉज वी वर एक्सपेक्टिंग अ मच बेटर लिस्टिंग, बट आई थिंक यदि स्टॉक आपको 685-690 रेंज में मिलता है तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म बेट है, बिकॉज आप एसबीआई लाइफ के फाइनेंशियल्स और नंबर्स देखोगे तो इट्स एक्चुअली अ लॉट बेटर देन यू नो आईसीआईसीआई प्रू लाइफ, तो आई वुड बिलीव दैट डेफिनेटली एक वैल्यू है, पर आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ काइंड ऑफ अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म बेट। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए तो एसबीआई लाइफ भी एक बार देखा जा सकता है। और गोदरेज एग्रोवेट की जहां तक बात है, गुरांग ने क्लियर किया है कि एक कंपनी ठीक है और इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेहतर कॉल होगी। लिस्टिंग गेन तो खैर आगे कैलकुलेट होगा कि कैसे कैसे इनके सब्सक्रिप्शन के आंकड़े मिलते हैं, प्राइस बैंड के हिसाब से ठीक है ये शेयर को रखा जा सकता है। टुडेज ट्रेड भी आपका वेट कर रहा है, आइए वही देखते हैं। बताए रजत, आज शेयर कौन सा है? जेके पेपर है, इनफैक्ट इंस्टीट्यूशन होल्डिंग ही इस कंपनी में लगभग 19% की, और जब इतनी ज्यादा इंस्टीट्यूशन होल्डिंग होती है ना वैसे तो स्टॉक एक रेंज बाउंड मूवमेंट दिखाते हैं लेकिन जब चलते हैं तो बहुत स्मार्टली गेन देते हैं पोर्टफोलियो में। जेके पेपर पोर्टफोलियो में शामिल करने लायक स्टॉक है, 3 सत्रों से खरीदारी देखने को मिल रही है, 4 तिमाही से नतीजे ऑपरेटिंग फ्रंट पे काफी बेहतर है और जो क्वार्टर वन में मुनाफा कंपनी ने बॉटम लाइन जो पोस्ट की थी उसमें 125% की बढ़त दिखाई थी, स्ट्रांग रिजल्ट्स थे। इकरा ने हाल फिलहाल में जो क्रेडिट रेटिंग है उसको भी इंप्रूव कर दिया है, पॉजिटिव से बढ़ाकर स्टेबल आउटलुक रखा था रेटिंग में। साथ ही साथ अगर वैल्यूएशन फ्रंट पे देखें तो बहुत तगड़े वैल्यूएशन पे अपने पीएस के मुकाबले कोट कर रहा है। ईपीएस, कैश ईपीएस लगभग 18 के आसपास की है और अनुमानित ईपीएस देखिए FY19 की लगभग 16.5 का ईपीएस है और मौजूदा भाव पे पी अपने इंडस्ट्री पीएस से कम है, 9.5 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, तो वैल्यूएशन के हिसाब से 156 के टारगेट बैठते हैं। लेकिन अगर आप इंट्राडे के लिए प्ले कर रहे हैं तो 122 का टारगेट रखें और 108 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अपने ट्रेड पे लगाना होगा। ठीक है रजत, टुडे ट्रेड की जानकारी देने के लिए शुक्रिया। अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे इंडिकेटेड टिक्स के साथ और मार्केट ओपनिंग के साथ।